प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय मसीह के पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस मंडे मॉर्निंग प्रेयर में प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करेंगे, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करेंगे। धन्यवाद राजाओं के राजा, आज के पिता परमेश्वर, इस मंडे मॉर्निंग प्रेयर में हम आपका धन्यवाद करते हैं। सभी भाई बहन मिलकर एक मन होकर आपके चरणों के पास प्रार्थना करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, जो भाई बहन यहाँ पर पिता परमेश्वर ज्वाइन हुए हैं, इन सभी को मेरे पिता परमेश्वर इसी तरह से प्रार्थना में बढ़ने के लिए, आराधना में बढ़ने के लिए, वचन को पिता परमेश्वर पढ़कर वचन में को फॉलो करने वाला बनने के लिए पिता परमेश्वर मदद करना। धन्यवाद यीशु मसीह, आपका स्तुति हो, आपका बड़ाई हो। मेरे पिता परमेश्वर, जो भाई बहन मेरे पिता परमेश्वर दुख में है, परेशानी में है, चिंता में है, उन्हें उस दुख परेशानी और चिंता से पिता परमेश्वर बाहर निकालिए, और पिता परमेश्वर आराधना में आगे बढ़ने के लिए और ज़्यादा पिता परमेश्वर अपने मन में स्थिर रखने के लिए मेरे पिता परमेश्वर मदद करना, सहायता करना। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से बंधन टूट जाए, आज़ादी रिलीज होने पाए, ऐसे प्रार्थना करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, सच्ची आज़ादी तो आप देने वाले हैं मेरे पिता परमेश्वर, उस आज़ादी को हम मांगते हैं हम अपनी ज़िंदगी में पिता परमेश्वर, शांति को हम अपनी ज़िंदगी में मांगते हैं, जो शांति आपने हमारे लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी दी है। मेरे पिता परमेश्वर, आपने कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, संसार में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी ऐशो आराम तो है लेकिन शांति नहीं है। मेरे पिता परमेश्वर, शांति को अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए हम सभी को मदद करना, सहायता करना। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो। प्यारे प्रभु जी, आपकी स्तुति हो। यह प्रार्थना सुनने के लिए मेरे पिता परमेश्वर आराधना हमने पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी आराधना हमें आत्मा और सच्चाई से करनी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी, आपके वचन में लिखा है कि धन्य है वे जो मन की शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। मेरे पिता परमेश्वर, हमें पिता परमेश्वर पवित्र रखना है अपनी आँखों को, और पिता परमेश्वर हमारे मन को शुद्ध रखना है, हमारे विचारों को शुद्ध रखना है, क्योंकि पिता परमेश्वर ये हमें पवित्रता में बढ़ने के लिए सहायता करता है, मदद करता है। मेरे पिता परमेश्वर, मदद करना इस तरह से मेरे पिता परमेश्वर, अद्भुत तरीके से पवित्रता में बढ़ने के लिए, इस तरह से अद्भुत तरीके से आराधना में बढ़ने के लिए। धन्यवाद मेरे प्रभु जी, इस प्रार्थना को, इस विनती को आपने सुना है, और पिता परमेश्वर ना इस पिता परमेश्वर दिन में आप हमें आगे बढ़ाइए, और पिता परमेश्वर दिन भर संभाल कर रखिए, आपकी इच्छा हमारी ज़िंदगी में पूरा कीजिए। ऐसे मैं आपके चरणों के पास प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद राजाओं के राजा, जो भी जाने अनजानी गलती किए उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, और पिता परमेश्वर आगे बढ़ने के लिए हम सभी को सहायता करना, मदद करना, ऐसे भी मैं आपके चरणों के पास प्रार्थना करता हूँ। पिता, धन्यवाद ये प्रार्थना सुनने के लिए। आमेन, आमेन।